मैं अभी पटना जिले के मसौढ़ी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव भलुआ पर मौजूद हूं और ये गांव इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद बसा हुआ है। यहां के लोगों का कहना है कि अगर इस लोकसभा चुनाव में इनके गांव के लिए अंडरग्राउंड रास्ता नहीं बनाया गया या रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई तो हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव में वो लोग वोट बहिष्कार करेंगे। रोज रेलवे से काटू अब वोट दे हूं। मार जाया वोट दे ले चली। तो इस लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट देंगे? नहीं नहीं देंगे। नाराज हैं क्या सरकार से? हाँ नाराज है भाई, पूरा गांव खत्म हो जाएगा अभी से ट्रेन से काट कर के। वोट यहाँ देंगे रोड ना तो वोट कहाँ से? कभी ध्यान नहीं गया? नहीं ध्यान ही नहीं है, आते हैं वोट मांगते हैं, ठीक है वोट दे देते हैं। चलिए इलेक्शन खत्म हो गया, रोड खत्म हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा है? मुखिया को इलेक्शन आया तो मुखिया कहते हैं हाँ नली गली बना देंगे, मेरा वोट दे दीजिए। ठीक है हम लोग भी कहते हैं कि नहीं अगला बेईमानी कर लिया ये दे देंगे बना देंगे, इनको वोट देते हैं तो ये जाके अः मुखिया जी तनी न बना दो फंडे न बहिष्कार करवे करेंगे। अगर रोड बनाएंगे रास्ता देंगे तो नहीं करेंगे, नहीं देंगे तो बहिष्कार करना ही पड़ेगा। आश्वासन देंगे रोड कैसे देंगे? अब तो आश्वासन दे रहे हैं ना वो लोग अभी। हाँ। अभी आश्वासन वो लोग दे रहे हैं, लोग को खाली हम लोग को गुमराह कर रहे हैं कि रोड मिलेगा रोड बनेगा ओवर ब्रिज बनेगा ये बनेगा, मगर बना कहाँ, खाली आश्वासन दे करके लोग को संभावना दे रहे हैं कि नहीं मिल जाएगा बन जाएगा। आज लोग भी कहते हैं तब यहाँ के लोग अशिक्षित नहीं है, शिक्षित है सभी लोग समझदार है। हमने पहले भी बोला कि यहाँ के सभी लोग जो अनपढ़ लोग भी हैं वो शिक्षित की तरह ही बात करते हैं। तो इस बार वोट बहिष्कारिंग रहेगी आपकी तरफ से? हाँ। गांव में कुछ लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि इन लोगों ने यहाँ पर एक वोट बहिष्कार का बोर्ड भी लगवाया था, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो सांसद रह चुके हैं रामकृपाल जी पिछले 10 सालों से वो आए थे और उन्होंने शिलान्यास किया और फिर लोगों को आश्वासन दिलाया कि यहाँ पर चुनाव के बाद में अंडरग्राउंड रास्ता जरूर बनवाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो बोर्ड हटाया किसने। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि बोर्ड हट गया है लेकिन हमारी जो मांगे हैं जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं जब तक होंगी तब तक हम लोग आगे इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर एक 5 लाखों की आबादी सैकड़ों गांव का रास्ता अवरुद्ध है। पहले तो लोग जाता था पार करता था, अवैध रेलवे क्रॉसिंग था पार करता था, लेकिन वह देखिए सामने है गड़ा हुआ है पिलर का, प्रशासन रेलवे गाड़ दिया, नतीजा हुआ कि सब और बहुत सा दुर्घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन क्या करे आदमी अपना जान हथेली पर रख करके पार करता था, कई बार दुर्घटना हुई और अभी भी वही चल रहा है और बंद कर दिया, लेकिन फिर भी पार कर रहा है लोग, आज भी बंद करने के बाद ही पार कर, कभी मजबूरी है कोई विकल्प है ही नहीं, न राज्य सरकार विकल्प देती है न केंद्र सरकार विकल्प देती है। क्या इस गांव के इधर के आबादी पाकिस्तान का नागरिक है, दूसरे देश का है कि इसका कोई भी कर, अरे या तो जैसे थी सरकार एकदम दीवार लगा के घेर दे कि एकदम पैक हो जाए कोई कहीं नहीं जाएगा, या तो 25 फीट 50 फीट मिट्टी भर करके तत्काल कम से कम रास्ता चालू हो सकता है, चालू कर दे सरकार। करती नहीं है शर्मा गुमटी के पास अगर रोड मिट्टी भर करके अगर चालू कर देता है तो काम आज चालू हो जाएगा। और इसके लिए शिकायत कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लोग शिकायत में जिला अधिकारी के यहाँ कमिश्नर के यहाँ राज्य सूचना आयोग में, लेकिन तब पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या इस गांव के लोग वोट बहिष्कार करेंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे या फिर जैसे सांसद ने अपनी बातों पे इनको लुभा लिया है उनकी बातों पे लोभ करके वोट भी डाल देंगे। देखेंगे आगे की इस खबर पे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।